नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ इज श्वेता झा। आज का मेरा डिस्कशन पॉइंट है आर टू केमिकल के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आर वन केमिकल के बारे में बताया था, आज मैं आप लोगों को आर टू केमिकल के बारे में बता रही हूँ। पहले तो जो आर टू केमिकल का जो यूजेस है, आर टू केमिकल नॉर्मली जो होता है ऑल सरफेस क्लीनिंग के पर्पज यूज होता है। और अगर मैं बोलूँ तो जहाँ पे हार्ड हाइजीन का जरूरत होता है वहां पे आर टू केमिकल यूज होता है। आर टू केमिकल अगर आप चाहे तो बाकेट में वेट मॉप के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, और स्क्रबर मशीन में फॉर स्क्रबिंग पर्पस भी आप आर टू केमिकल को डाल के यूज कर सकते हैं। आर टू केमिकल का यूज करने से पहले लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रिक्वेशन का जरूरी होता है, बिकॉज ये केमिकल जो है हार्मफुल होता है। इसका मतलब इसका डेंजर लेवल जो है ज्यादा रहता है, ये केमिकल हार्मफुल है। तो ये केमिकल को यूज करने से पहले जो जरूरी प्रिक्वेशन लेना होता है वो लेना पड़ेगा। जो जरूरी प्रिक्वेशन जरूरी है वो लेना पड़ेगा। जो नॉर्मल पीपीई होता है, ग्लव्स होता है, आई प्रोटेक्शन होता है। बिफोर यूजिंग दिस केमिकल आपको ये तीनों चीजों का खास तौर से यूज करना ही है, क्योंकि अगर आप यूज करने में कहीं पे भी चुकेंगे तो डेंजर आपके पास आएगा। अगर सोचिए मैं आर टू केमिकल का यूज कर रही हूँ क्लीनिंग पर्पस, लेकिन मैंने उस टाइम पे ग्लव्स नहीं यूज किया है और क्या हुआ मेरे हाथ में गिर गया, तो उसके रीजन से क्या होगा, मुझे इरिटेशन होगा। बहुत समय पे इरिटेशन होने के बाद, हाई वाटर फ्लो देने के बाद भी, फ्रेश वाटर फ्रेश वेदर पे जाने के बाद भी इसका जो इरिटेशन होता है कमता नहीं है, हालांकि बढ़ता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको तभी डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सेम थिंग हमारे आईज के लिए भी हो सकता है। अगर हम आई प्रोटेक्शन अगर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो अगर एक ड्रॉप भी आंखों में चला जाए और इरिटेशन हो, कंटिन्यूअस वाटर से आईज को वॉश करने के बाद भी अगर ठीक ना हो तो हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। इरिटेशन डेवलप करे तो डॉक्टर के पास जाना नेसेसरी है। तो यही चीज अगर हम लोग अगर पीपीई यूज करते हैं, हम लोग अपना प्रिक्वेशन लेते हैं तो हमारा जो है ये चांसेस नहीं आएगा, तो ये चांसेस जो लेस हो जाएगा, हमारा रिस्क जो होता है इन दिस केस लेस हो जाता है। इसीलिए आर टू केमिकल यूज करने से पहले मैं आप सभी लोगों को यूज रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूरी प्रिक्वेशन ले लीजिए। नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोग आर टू केमिकल क्योंकि ये हार्मफुल होता है तो हर जगह पे यूज नहीं हो सकता है। नॉर्मली ये जितना भी केमिकल होता है ऑफिसेस, पीजी, हॉस्टल, हॉस्पिटलिटी में मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेनेंस करने के लिए यूज होता है, लेकिन आर टू केमिकल क्योंकि ये हार्मफुल है तो ये केमिकल यूज करने से पहले ऑफिसेस को भी ये चीज का अप्रूवल लेना पड़ता है जो इन्वायरमेंटल सेफ्टी पे काम करता है। तो ये केमिकल मेरा आप सभी से सलाह और रिक्वेस्ट है कि ये केमिकल बिल्कुल घर में यूज करने के बारे में सोचे भी मत। होप मेरा ये वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने कुछ इस पॉइंट में मिस किया है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी केमिकल के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए केमिकल का नाम लिख के, जैसे R2 केमिकल R2 MSDS, तो अगर आप ये लिखते हैं गूगल में आपको उस केमिकल का पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।